400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारेश्वर मंदिर के रहस्य। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या इस मंदिर के रहस्य। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात प्रकृति के कहर भर पाया था। जल पड़ने से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह कर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्रीनाथ नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।